पहले पेट पूजा उसके बाद कोई दूजा। अर्थात अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपका माइंड भी कंट्रोल में रहेगा, तो बाकी सब बाद में आएंगे। पहले अपने पेट को पूजिए, मतलब उसको तृप्त कीजिए। और कंट्रोल से एक मुझे बात याद आई कि कई ऐसे लोग हैं जिनको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है और स्पाइसीनेस के साथ आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। और जहां पर भी हम स्पाइसी खाने की या स्पाइस की बात करते हैं, पेरी पेरी जिसे हम पिली पिली या पिरी पिरी भी बोलते हैं, उसका जरूर मेंशन होता है। और पेरी पेरी एक स्पाइसी सॉस या स्पाइसी मैरिनेड है जो पहली दफा पोर्चुगीज के साथ ओरिजिनेट हुआ था, और पूरे विश्व में कोई ना कोई एक वर्जन है पेरी पेरी बनाने का। तो आज का जो मेरा वर्जन है पनीर पेरी पेरी शाश्लिक, वो बेहद सिंपल है, थोड़ा सा स्पाइसी है, आप चाहे तो उसे लेस स्पाइसी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके टेस्ट की गारंटी मेरी। चलिए बनाते हैं पनीर पेरी पेरी। अब देखिए जो पेरी पेरी है उसे बनाने के लिए सही तरीके की चिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मेरे पास है ये कश्मीरी लाल मिर्च सूखी हुई, जिसका रंग बड़ा तेज होता है लेकिन उसकी स्पाइसीनेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सो एक अच्छी स्पाइस या सॉरी एक अच्छी चिली होनी जरूरी है। अब ये सूखी हुई लाल मिर्च को एक पैन में डालेंगे, और क्योंकि इसकी पेस्ट बननी है इसे हम पानी डालकर उबाल लेंगे। और देखिए अब ये है कि जो पेरी पेरी है वो अब सिर्फ एक सॉस और मैरिनेड नहीं रही। आप जानते हैं फ्रेंच फ्राइज भी आती हैं पेरी पेरी मसाले के साथ, बर्गर्स हैं, पिज्ज़ा है, सैंडविचेस हैं, फ्राइड राइस है विद पेरी पेरी। सो सब ने अपने हिसाब से उसे ढाल दिया है। अब देखिए चिली को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक बॉईल करना है ताकि वो टेंडर हो जाए। उसके बाद गैस को करेंगे बंद एंड चिलीज को पानी समेत अलग से एक बोल में रख देंगे। अब इसे डुबो कर रखना है करीबन आधे घंटे के लिए। होगा क्या, चिली जो है टेंडर हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। ये मेरे पास पड़ी है बॉइल्ड चिली, ये देखिए आधा घंटा हो गया इसे ठंडा हो गया। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, और सबसे पहले हम बनाएंगे पेरी पेरी मसाला या मैरिनेट। नाउ ये चिली मिक्सर ग्राइंडर में सीधा, और पेरी पेरी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कलरफुल रही है, बहुत ही रंगीन रही है, और आपको उसके बारे में जानना है तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा पेरी पेरी के बारे में, पोर्चुगीज के बारे में, और इंडिया में जो गोवा में पेरी पेरी मिलता है उसके बारे में। बहुत मजेदार इंफॉर्मेशन है, सो एंड तक देखिएगा। हम लेंगे अदरक और उसे रफली कट करना है, और ये रफली कट अदरक इसमें जाएंगी लहसुन, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से लौंग, थोड़ा सा सिनेमन, सम सॉल्ट, खूब सारा लेमन जूस, और हाँ टोमेटो केचप। जी हाँ टोमेटो केचप इसे एक अच्छी बॉडी देगी प्लस फ्लेवर भी। इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से क्या होता है चिली का जो फ्लेवर है थोड़ा मेलो हो जाएगा, एट द सेम टाइम इसे पीसने में आसानी होगी, तो पानी की जगह ऑयल इज बेटर। ग्राइंड करते हैं और हमारा पेरी पेरी मैरिनेट या सॉस तैयार। ये तैयार है, और देखिए क्या बढ़िया रंग आया है इसका। वाह लुक एट दिस कलर, ब्यूटिफुल, क्या मजेदार चिली है। अब देखिए इस पेरी पेरी के साथ आप चाहें तो पनीर हो या चिकन हो या सब्जियां हो उनको मैरिनेट करके ग्रिल कर सकते हैं, तंदूर में भी पका सकते हैं। आप चाहें तो इसी पेरी पेरी सॉस को बर्गर्स में, सैंडविचेस में, मेयोनेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को आप थोड़ा पतला करके बतौर ड्रेसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल यूजेस हैं इसके, और ये पेरी पेरी सॉस तैयार। हमारे पास है पनीर, इसे हम क्यूब्स में काट लेंगे। देखिए बहुत छोटे क्यूब्स काटेंगे ना तो दिक्कत ये आएगी कि अगर आप स्कीवर पर लगा रहे हैं इस वुडन काड़ी पे तो फट सकता है, इसलिए थोड़े बड़े साइज का रखें वो बेटर रहता है। दिस शुड बी ओके।
सबसे पहले पनीर के ऊपर हमें नमक जो है स्प्रेड करना है। होगा क्या, नमक थोड़ा लगा कर रखेंगे ना तो जो नमक है अंदर तक जाएगा, पनीर फीका नहीं लगेगा। लाइटली इसको सॉल्ट करना है। साथ ही हमारे पास हैं अनियन, मेरे पास है कैप्सिकम, टमाटर और हरा प्याज। चुटकी भर नमक ऑन टॉप, बड़ा हल्का सा, मामूली सा, क्योंकि पेरी पेरी सॉस के अंदर या मैरिनेट के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है। ये रहा हमारा मैरिनेट। जस्ट रब दिस इन, हल्के हाथ से इसे घुमाना है। हाँ, यू कह लीजिए मैरिनेट करना है। लुक एट दोस ब्यूटीफुल कलर्स। अब ये वुडन स्क्यूअर्स जो हैं, इसमें हमें पनीर को पिरोना है। पनीर, फिर शिमला मिर्च, फिर प्याज, फिर टमाटर। अच्छा जी, काफी टाइम से पनीर नहीं बोला, फिर से पनीर, फिर से प्याज, फिर से शिमला मिर्च, अब फिर से टमाटर। क्यों, देखिए बढ़िया शाश्लिक तैयार। ये जो मिर्ची है ना, इसकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। हिस्टोरियंस की माने तो पोर्चुगीज हैं जो हिंदुस्तान में हरी मिर्च और लाल मिर्च लेकर आए थे। उससे पहले ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तानी जो खाना बनता था उसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल होता था या फिर लॉन्ग पेपर। अब पता नहीं ये कितनी सच बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत ही ट्रेजर ट्रोव है अलग अलग हरी और लाल मिर्चों का। तो क्या वहाँ तक मिर्च गई होगी, हो भी सकता है, या शायद ऐसा हो कि नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी मिर्च हो, वो भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। ब्रिलियंट। अब इसे मैरिनेट करना है कम से कम 20 से 25 मिनट, जब तक ये मसाले इसके अंदर तक घुसते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, पेरी पेरी और पोर्चुगीज की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिए जरा। अब देखिए, जो पोर्चुगीज थे ना, वो बहुत ही मजेदार लोग थे, टिक के नहीं बैठते थे, घूमने का शौक था, और उनके पास थे बड़े बड़े शिप। तो शिप लेके कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी कोई नई कंट्री ढूंढने चले गए, वहां से चार चीजें ली, दूसरी कंट्री में बेच आए, दूसरी कंट्री से चार चीजें ली, तीसरी कंट्री में बेच आए, और इसी तरीके से वो ट्रेड किया करते थे। और कभी किसी कंट्री पे दिल आ जाए तो उसे कॉलोनाइज कर लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे, और फिर वहां के जितने भी ट्रेडिंग, जितना भी व्यापार है वो हैंडल करते थे। इसी तरीके से वो हिंदुस्तान भी आए व्यापारियों की तरह, और जो हमारे कोंकण कोस्ट पर जब वो आए तो उन्होंने देखा, यार यहाँ तो बहुत ज्यादा स्पाइसेस है, यार क्या बात है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया ना, दिल आ जाता तो क्या करते, कब्जा, तो कब्जा कर लिया उन्होंने। नाउ हुआ क्या कि जब वो आए पोर्चुगीज, मोजाम्बिक जो अफ्रीका में है वहां से जब आए थे, तो अपने साथ ऐसा कहा जाता है चिलीज लेकर आए थे। और मोजाम्बिक में वहां लोकल चिलीज जो उगती थी, जिसको पेरी पेरी चिली वैरायटी भी कहते थे, वहां के लोग उसी चिली का इस्तेमाल करके एक पेस्ट बनाते थे जिसे कहते थे पेरी पेरी। और ये चिली और ये पेरी पेरी बनाने का तौर तरीका हिंदुस्तान पहुंचा। अब हिंदुस्तानियों को तो आप जानते हैं, हम लोग हैं बड़े एंटरप्राइजिंग, हम लोग को कोई चीज़ मिल जाए उसको अपने रूप में अपने तरीके से ढाल ही लेते हैं। पंजाबी चाइनीज की बात कर रहा हूँ, करते हैं ना, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो ये पोर्चुगीज पेरी पेरी है, या जिसे पिरी पिरी या पीली पीली भी कहते हैं, उसको अपने अलग अंदाज में ढाल लिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पाइसेस थे तो उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी, ये जाने लगा। आप गोवन स्टाइल पेरी पेरी खाते तो उसके अंदर टॉडी विनेगर की आपको खुशबू आएगी, उसका टेस्ट आएगा। तो उसी तरीके से पोर्चुगीज जहाँ जहाँ अपनी चिली लेकर गए, जिस भी कंट्री में, वहाँ के लोकल प्रोड्यूस के हिसाब से पेरी पेरी बनने लगी। इसलिए आपको पेरी पेरी की कभी भी कोई एक रेसिपी नहीं मिलेगी, अलग अलग तरीके की मिलेगी। और पेरी पेरी या पीली पीली एक कंप्लीट स्लाइस है, बड़ा स्लाइस है फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस। चलिए जी, बहुत बातें कर ली, चुगली कर ली पोर्चुगीज की, अब पनीर पेरी पेरी शाश्लिक पकाते हैं।
तवा गरम, उस पर थोड़ा ऑयल, आप चाहें तो इसे तवे पर, पैन में, ओवन या ओटीजी में भी पका सकते हैं, ऑल अप टू यू। ऑलराइट, व्हाइल इट इज स्टिल मीडियम हॉट, इस पे जाएगा हमारा ये शाशलिक। इसे मीडियम आंच पे ही पकाना है ताकि ये अंदर तक पके। हमें सिर्फ कलर नहीं देना, यू नो, अंदर तक जो प्याज है, पेपर्स हैं, पनीर है, वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। Brilliant. ये तैयार है। Tell you, this platter is looking yum. Paneer peri peri shashlik, done. और ये roughly ready? और ये roughly cut अदरक, और ये roughly cut अदरक, और ये roughly cut अदरक इसमें डालेंगे। इसे हम डालेंगे। I know. देखिए, जो पोर्चुगीज थे वो बहुत ही मज़ेदार बंदे थे, बंदे नहीं थे, मज़ेदार लोग थे।